तो दोस्तों, इंडिया की मोस्ट अवेटेड फिल्म 2.0 का टीजर आ चुका है। ये फिल्म 2010 में आई रोबोट फिल्म का सीक्वल है। सुपरस्टार रजनीकांत की ये फिल्म कई बार डिले होने के बाद फाइनली इस साल 29 नवंबर को रिलीज होने वाली है। ये फिल्म इंडिया की अब तक की सबसे एक्सपेंसिव फिल्म है। इसका बजट 500 करोड़ से भी ज्यादा है। आज हम इस फिल्म के टीजर का ब्रेकडाउन करने वाले हैं, देखेंगे इस फिल्म के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और जानेंगे इस फिल्म की स्टोरी। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के टाइटल के बारे में। फिल्म के टाइटल का मतलब क्या है, ये बात कुछ लोग पहले से ही जानते होंगे। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के पिछले पार्ट मतलब रोबोट फिल्म में हमने देखा था कि रजनीकांत यानी डॉक्टर वसीकरण ने चिट्टी रोबोट को बनाया था, लेकिन बाद में जब चिट्टी डॉक्टर वसीकरण की बात नहीं मानता तब वो उसे तोड़कर फेंक देते हैं। इसके बाद डॉक्टर बोहरा चिट्टी को ठीक करते हैं और उसके अंदर एक रेड चिप लगा देते हैं। तब चिट्टी अपग्रेड हो जाता है और वो बनता है वर्जन 2.0। 2.0 ये नाम यहीं से आया है, इसके बारे में हम आगे और भी बात करेंगे। ये फिल्म रोबोट फिल्म की सीक्वल है, लेकिन इसे स्पिरिचुअल सीक्वल कहा जा रहा है। स्पिरिचुअल सीक्वल का मतलब है ऐसी फिल्म जो कि सीक्वल तो है लेकिन उसका पिछली फिल्म की स्टोरी से कोई कनेक्शन नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म देखी होगी। ये फिल्म मुन्ना भाई MBBS का सीक्वल थी, लेकिन उसका पिछली फिल्म की स्टोरी से कोई कनेक्शन नहीं था, बस फिल्म की कुछ ही बातें सेम थी। ऐसा ही कुछ इस फिल्म के साथ भी होने वाला है। अब बात करते हैं फिल्म की स्टोरी के बारे में। फिल्म की स्टोरी बेस्ड है अक्षय कुमार के कैरेक्टर पर। अक्षय कुमार इस फिल्म में नेगेटिव रोल में है। रूमर्स है कि अक्षय कुमार इस फिल्म में एक साइंटिस्ट का रोल कर रहे हैं और उनका नाम है रिचर्ड। डॉक्टर रिचर्ड एक ऑर्निथोलॉजिस्ट है। ऑर्निथोलॉजिस्ट का मतलब है बर्ड्स यानी पक्षियों का वैज्ञानिक। एक एक्सपेरिमेंट के फेल होने के बाद डॉक्टर रिचर्ड के अंदर कुछ पावर्स आ जाती है जिससे कि वो बर्ड्स को कंट्रोल कर सकता है और उनसे बात कर सकता है। टीजर की स्टार्टिंग में हमें यहाँ एक टावर के ऊपर एक आदमी दिखा जो कि शायद अक्षय कुमार यानी डॉक्टर रिचर्ड है, और ये सीन तब का हो सकता है जब डॉक्टर रिचर्ड को उसकी पावर्स मिली हो, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स उसके आसपास घूम रहे हैं। इसके बाद टीजर में हम देखते हैं कि सभी लोगों के मोबाइल फोन उड़कर कहीं गायब हो रहे हैं। मोबाइल फोन्स के इस तरह गायब होने के पीछे डॉक्टर रिचर्ड का हाथ है। इसका रीजन ये हो सकता है कि जब डॉक्टर रिचर्ड को उसकी पावर्स मिली तब उसे बर्ड्स की फीलिंग समझ में आई और उसने ये देखा कि बर्ड्स की लाइफ खतरे में है। आपको ये बात पता होगी कि मोबाइल फोन्स का रेडिएशन बहुत हार्मफुल होता है। इस रेडिएशन का सबसे ज्यादा असर होता है बर्ड्स पर। इसी वजह से पक्षियों की कई सारी प्रजाति धीरे धीरे खत्म हो रही है। इसीलिए शायद डॉक्टर रिचर्ड उन सभी टेक्नोलॉजी को खत्म करना चाहता है जिससे बर्ड्स को नुकसान हो रहा है। इसीलिए मूवी के पोस्टर में लिखा हुआ है द वर्ल्ड इज नॉट ओनली फॉर ह्यूमंस, मतलब ये दुनिया सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, इस दुनिया पर दूसरे प्राणियों का भी हक है। डॉक्टर रिचर्ड एक साइंटिस्ट है, इसलिए उसने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिससे कि वो मोबाइल फोन्स को कंट्रोल कर सके। डॉक्टर रिचर्ड के इरादे तो सही है लेकिन उसका तरीका गलत है जिसकी वजह से इंसानों को बहुत परेशानी हो रही है। ये है कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल। यहाँ इंडिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट को बुलाया गया है ताकि वो डॉक्टर रिचर्ड को रोक सके। इस मीटिंग में रजनीकांत यानी डॉक्टर वसीकरण भी शामिल है और वो डॉक्टर रिचर्ड से निपटने के लिए एक आइडिया देते हैं। अगर ये फिल्म सच में स्पिरिचुअल सीक्वल है तो यहाँ पर चिट्टी रोबोट की बैक स्टोरी थोड़ी अलग होगी, लेकिन अगर इसकी स्टोरी रोबोट फिल्म के आगे की है तो यहाँ कुछ ऐसा हो सकता है। रोबोट फिल्म के एंड में हमने देखा था कि चिट्टी को डिसमेंटल करके एक म्यूजियम में रख दिया गया था, लेकिन अब दुनिया पर मुसीबत आ चुकी है, इसीलिए डॉक्टर वसीकरण चिट्टी को इस्तेमाल करने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन मांग रहे हैं और उन्हें परमिशन मिल गई। इस जगह को अगर ध्यान से देखें तो लगता है कि ये वही म्यूजियम है जहां चिट्टी को रखा गया था। चिट्टी को यहां भेजा गया है ताकि वो लोगों को बचा सके और इस मोबाइल से बने हुए ईगल से लड़ सके, पर लगता है कि चिट्टी से ये काम नहीं हो पा रहा है। इस फिल्म में एक्टर सुधांशु पांडे भी है। कहा जा रहा है कि वो इस फिल्म में डॉक्टर बोहरा के बेटे बने हैं, तो हो सकता है कि डॉक्टर वसीकरण और डॉक्टर बोहरा का बेटा उसी रेड चिप को थोड़ा मॉडिफाई करके चिट्टी के अंदर लगाए। पिछली फिल्म में हमने देखा था कि डॉक्टर बोहरा की रेड चिप लगाने के बाद चिट्टी बहुत खतरनाक बन गया था, इसीलिए डॉक्टर वसीकरण चिट्टी को इस तरह से मॉडिफाई करेंगे कि वो उनकी बात माने और इंसानों को नुकसान ना पहुंचाए। और आगे हम देखते हैं वर्जन 2.0 को। यहाँ हमें इसका हेयर स्टाइल और गेटअप देखकर समझ में आता है कि ये 2.0 है ना कि चिट्टी। फिल्म के पोस्टर में हमें दोनों ही रोबोट दिखते हैं, लेकिन फिल्म में चिट्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल 2.0 का है, इसीलिए फिल्म का नाम है 2.0।
जो काम चिट्टी नहीं कर पा रहा था वो काम 2.0 आसानी से कर रहा है। उसने अपनी रोबोट की आर्मी से यहाँ एक बड़ा सा पिंजरा बनाया है इस डिजिटल ईगल को पकड़ने के लिए। इस सीन में यहाँ डॉक्टर रिचर्ड ने मोबाइल की स्क्रीन का इस्तेमाल करके अपना चेहरा बनाया है और यहाँ पर हम डॉक्टर वसीकरण को भी देख सकते हैं। लगता है कि डॉक्टर रिचर्ड वसीकरण को कुछ बताना चाहता है। तो दोस्तों, ये था एक टीजर ब्रेकडाउन वीडियो और 2.0 फिल्म के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके।